पुणे के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगंज में मोहम्मद राजा की मौत खुदकुशी करने से हो गई थी, किंतु उस अवसर पर मोहम्मद राजा की पत्नी ने अपने पिता और बोनई मोहम्मद माधो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, किंतु ये बातें सत्य नहीं थी और उस समय स्थानीय कुछ लोगों ने पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए पिता मोहम्मद इस्माइल एवं बोनई मोहम्मद माधो को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। किंतु कुछ ही दिनों में मामला पूरी तरह से साफ हो गया। मृतक मोहम्मद राजा की पत्नी ने इस संदर्भ में खुद ही बताया कि उसे उस समय कुछ लोगों ने जमीन का लोभ दिलाकर झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर दिया था और उन्होंने भी जमीन की लोभ में झूठ बोल दिया, जबकि सच्चाई यह है कि मोहम्मद राजा ने खुदकुशी की थी। आपका जो शौहर था राजा, वो कैसे मरा, वो क्या कारण था इसका? आपके सामने ही में लगाया था? नहीं सर, हम बाहर में थे। आप बाहर में थे जी, तो वो अंदर में लगा रहा था फांसी, तो आपको पता नहीं चला कि फांसी लगा रहा, थोड़ा बचा ले? नहीं। तो कैसे देखे आप तब उसको? उधर से आए तब देखे फांसी लटका हुआ था, तब हम खोले। तो जिसका उस समय नाम आप बोले थे कि आपके अब्बा जी और वो माधो, ये सब भी था उस समय क्या वहाँ? नहीं, उस समय नहीं था। नहीं। तो उन लोग का नाम कैसे बोल दिया आप? आदमी सब के सिखाया। क्या सब सिखा दिया था? बस एक आदमी सब बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बोला तो बोने का नाम दीजिए और बाप का नाम दीजिए। तो उससे उस पूछे ना कि बोहने का नाम और बाप का नाम देने से क्या लाभ होगा? तब मिलेगा दो कट्ठा जमीन, नहीं तो नहीं देगा। ओ, दो कट्ठा जमीन तब देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो अच्छा, कौन कौन था, कौन सिखा रहा था ये सब? बस एक आदमी सब। तो सब आदमी तो नहीं है ना, होगा दो चार आदमी होगा सिखाने वाला। वही आदमी सब बोल रहा था, वही बोले। आपको बोलने के लिए कहा जी, तो आप वही बोल दिए? हाँ। तो लेकिन वो तो अपने से न मरा है। आपसे झगड़ा भी होता था पहले कभी? नहीं। झगड़ा नहीं होता था? नहीं। दारू बराबर पीता था वो क्या? पहले पीता था, उतना नहीं पीता था, साथी सबके साथ जबरदस्ती पिला के लाता था, वो अपने से नहीं पीता। अच्छा, मारता पीटता भी था आपको? नहीं, ऐसे नहीं मारता। जमीन जगह के लिए कुछ बोलता भी था क्या? नहीं, बोलता था बोलो बाप को देगा इकट्ठा जमीन, रहना घर द्वार बहन, यही बोलता था। तो उसको मारने में कोई और तीसरा चौथा आदमी नहीं ना है? नहीं। वो अपने से मरा है जी। तो सबसे पहले तो आप ही ने देखे कि लटका हुआ है, और कोई देखा था? नहीं। आप ही देखे थे? इस संदर्भ में मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा है और मौका पाकर उन लोगों ने उसे फंसाने की भरपूर कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि उसकी बेटी ने उसे दूसरे के बहकावे में आकर फंसा दिया था, किंतु अब मामला पूरी तरह से साफ हो गया है और वे अभी भी अपनी बेटी को उतने ही मोहब्बत करते हैं और आगे भी उसकी परवरिश के लिए जो भी कुछ करना होगा वे अवश्य करेंगे। रोड का बारे में पहले से केस उन लोग था, चार आदमी पर। अच्छा, चार आदमी पर केस था। ये घटना जो हुआ, उन लोग को मौका मिला जबरदस्ती, हमको फंसाया इन लोग को बोल करके। अच्छा, उसी का दाव निकाल लिया? ये उसी का दाव निकाल दिया, अभी भी केस लगा हुआ है। किससे चल रहा है केस आपका? मोहम्मद पुत्तू, पिता का नाम मोहम्मद करीम, मोहम्मद मोहसिन, पिता का नाम मोहम्मद मोनुद्दीन, और प्लस मेंबर नाम से मोहम्मद मंजूर। मोहम्मद मंजूर, हाँ। ये तीन आदमी बता रहे हैं? तीन आदमी, एक तो मुश्तकिम जिसका दरवाजे पर खड़े थे, दबिया लेकर के सब बैठा हुआ था, वो हमारा बेटी बुलाओ ना, ओकरा हमारा बेटी को दबिया दिखा रहा था। तो हम बोले कि हमारा यहाँ घर है, यहाँ रोड बनवा दिए, मेन रोड जो है सर्वे वाला वो खाली है, थोड़ा सा बिहार सरकार है तो आप कहा जबरदस्ती कर रहे हैं। तो हमारा बेटी को दबिया दिखाया, तब आ करके हम जबरदस्ती ये कचहरी बेटी दामाद को ले जा करके तब उसको पर केस किए। ये घटना हुआ, जबरदस्ती हमको फंसाया, फंसाने वाला मरर जो लिखा पड़ी पंचनामा जो किया है, वो लोग का अपना सगा आदमी है, ये हरा हुआ सरपंच है, अभी पद में वो नया है। ये जबरदस्ती हमको दसाने के लिए जमीन दीजिए, जमीन जो है कि बेच करके, ये लोग सोचता था कि बेच करके हम घर में रख लेंगे, इस्लाम का बेटी को भगा देंगे। तो हमको मालूम हुआ किसी तरह, तो हम बाद में पाँच दिन आया, पाँच दिन यहाँ रहा मौलवी बाड़ी में, उसके बाद ये आपस गया। तो हमारा बेटी हम रख लिए, अभी तक हमारे पास है।
प्लस जो है मोटरसाइकिल दूठो मशीन निकाल लिया और कौन सामान निकाल लिया ये भी बेटी भी हमरा कुछ नहीं बोला। बस्ती का आदमी हमको बोला कि आपको कुछ नहीं बोलना है, छोड़ दीजिए उसका सामान है, डर से हम कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी आपकी जो बेटी है और आपका जो नाती सब है, ये सबको दिक्कत उक्कत नहीं दे रहे हैं? वो दिक्कत नहीं, सदा के लिए दोनों बच्चा को पालेंगे, बेटी को रखेंगे, हमारा नाम रहेगा, हम सामने रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। प्लस 2 कट्ठा जमीन बोले हैं, उसको बेच करके 1 कट्ठा हम रोड साइड में लेके देंगे, अपना रहेगा, हमारे पास रहेगा, अब तो हम किसी कहीं जाने नहीं दें, ये हमारा वादा है।